सो हे गाइस, दिस इज वॉरियर राइडर। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्कूटी यामा फसिनो 125 FI हाइब्रिड 2024 मॉडल। इस स्कूटी के अंदर आपको काफी सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। टॉप वेरिएंट से थोड़ा नीचे वाला वेरिएंट ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइस। इस स्कूटी के अंदर आपको 12 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं काफी सारे, जो कि एक साइड में आप देख सकते हो। और जो ये वाली स्कूटी है ये अपनी डिस्क वेरियंट है, ठीक है गाइस। और साथ ही इसके अंदर आपको FI हाइब्रिड का भी फीचर्स दे दिया गया है, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइट के ऊपर आपको क्रोम कलर की फिनिशिंग आपको मिल जाती है, और जो फेयरिंग है वो आपको व्हाइटिश कलर की कुछ इस तरीके की मिल जाती है, जिसके राइट साइड में आप देख सकते हो ब्लू कोर हाइब्रिड की आपको बैजिंग एक तरीके की स्टिकरिंग कुछ इस तरीके की स्कूटी में मिल जाती है। बात करें इसके मिरर की, तो इसके अंदर आपको ब्लैक एंड क्रोम कलर के मिरर कुछ इस तरीके के आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि इसके लुक को और भी नाइस बनाते हैं। और ये जो स्कूटी की फेयरिंग है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको कुछ इस तरीके के साथ देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो साइड में आपको क्रोम कलर की फिनिशिंग कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। और जो इसके इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ इसके अंदर आपको ड्यूल इंडिकेटर फ्रंट पे दे दिए गए हैं, ठीक है गाइस। साथ ही बात करते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में बात, जो कि आपको LED हेडलाइट इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की काफी प्रीमियम लुक के साथ दी गई है, जो कि इसकी लुक को और भी इनहेंस बनाती है। साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के मडगार्ड के बारे में, जो कि आपको मेटल का व्हाइट कलर का आपको मडगार्ड कुछ इस तरीके का स्कूटी के अंदर दिया गया। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्रंट की जो सस्पेंशन है वो आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक ब्लैक कलर के कुछ इस तरीके के दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट की ब्रेक के बारे में, जो कि आपको जो फ्रंट की ब्रेक है वो आपको 190 mm की आपको डिस्क मिल जाती है। और बात करें इसके फ्रंट के टायर के बारे में, जो कि आपको फ्रंट का जो टायर है मैक्सिस कंपनी का आपको फ्रंट के टायर मिल जाता है, जिसका साइज आपको 1912 इंच का आपको टायर साइज मिल जाता है, जो कि आपको ट्यूबलेस के इसके अंदर आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके अलॉय के बारे में, जो कि आपको ब्लैकिश कलर के कुछ इस तरीके का आपको अलॉय मिल जाते हैं 12 इंच के। साथ ही बात करते हैं इसकी राइट फेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी राइट फेयरिंग है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, और पैनल एक तरीके का जो कि काफी बढ़िया आपको व्हाइटिश कलर का कुछ इस तरीके का इस स्कूटी के अंदर दिया गया है। पीछे की तरफ आप जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुटरेस आपको रबड़ के कुछ इस तरीके के फोल्डेबल ब्लैक कलर के फुटरेस इस स्कूटी के अंदर अब आपको पिलियन राइडर के मिल जाते हैं। बात करें इसके इंजन के बारे में, जो कि आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर ऑटोमेटिक इंजन एयर कोल्ड 4 स्ट्रोक HOSC 2 वोल्ट के साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है गाइस, जो कि प्रोड्यूस करता है 8.04 bhp पावर 6500 rpm पे। साथ ही बात करते हैं इसके मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, जो कि आपको 10.3 Nm मैक्सिमम टॉर्क 5000 rpm पे इस स्कूटी के अंदर दी गई है। बात करें इसके एग्जॉस्ट के बारे में, जो कि आपको ब्लैकिश कलर का एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको कवर मिल जाता है मैट ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर यामा की बैजिंग आपको मिलने वाली है, ठीक है गाइस। और बात करें इसकी राइट बैक फेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोमिक कलर की आपको बॉर्डरिंग आपको फेयरिंग के साइड में देखने को मिल जाती है। जो फेयरिंग है वो आपको व्हाइटिश कलर की कुछ इस तरीके की मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको फसिनो की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है क्रोम कलर के अंदर, जो कि इसके लुक को काफी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आपको दी गई है, ठीक है। और जो इसकी लुक है वो भी और इनहेंस बनाती है। बात करें अपने पीछे के व्हील के बारे में, तो वो भी आपको 12 इंच का व्हील आपको ब्लैकिश कलर का कुछ इस तरीके का अलॉय व्हील दिया गया है। और साथ ही आपको जो टायर है वो भी आपको मैक्सिस का रियर में टायर जो मिलता है वो भी आपको 1912 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर इस स्कूटी के अंदर दिया गया है। बात करें इसके ग्रैब रेल के बारे में, तो यहाँ पर आपको मेटल के ग्रैब रेल कुछ इस तरीके के आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं, ताकि आप पीछे जो प्लेन राइडर पकड़ के बैठ जाए कुछ सामान वगैरह बांधना तो आराम से बांध सकते हो। साथ ही बात करते हैं इसके बैक लुक के बारे में, यहाँ पर आपको जो टेल लाइट है वो अभी आपको LED टेल लाइट कुछ इस तरीके की वी शेप में दी गई है, ठीक है। और टेल टाइड है वो आपको मडगार्ड एक तरीके का आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है, और रिफ्लेक्टर लाइट भी कुछ इस तरीके के यहाँ पर मिल जाते हैं, नंबर प्लेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और पीछे का टायर का लुक है वो कुछ इस तरीके का आपका दिया गया है, ठीक है। और पीछे भी जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर आपको टेल लाइट के अंदर ही दिए गए हैं, ठीक है गाइस। और बात करें इसके रियर के सस्पेंशन के बारे में, तो जो कि आपको ब्लैकिश कलर का यूनिट स्विंग ब्लैक कलर का आपको रियर में सिंगल सस्पेंशन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि विदाउट एडजस्टेबल आपको इस स्कूटी के अंदर मिलने वाला है। और बात करें पीछे की ब्रेक के बारे में, तो पीछे ब्रेक है जो वो ड्रम ब्रेक आपको 130 mm की पीछे वाली ब्रेक आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस स्कूटी के अंदर किक भी मिल जाती है, यामा की बैजिंग कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। और जो साथ ही इसके अंदर आपको डबल स्टैंड भी मेटल का मिल जाता है, और अपना साइड स्टैंड भी मेटल का कुछ ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का स्कूटी के अंदर मिलने वाला है, ओके गाइस। सेम आपको यहाँ पर फुटरेस्ट मिल जाते हैं रबड़ के फोल्डेबल, जो कि पिलियन राइडर के होते हैं। और बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो कि आपको 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस स्कूटी के अंदर मिल जाती है, भाई ब्रेकर वगैरह पे और इंडियन रोड्स के तौर पर आपको देखना पड़े देख के चलानी पड़ेगी, नीचे लग सकती है। अब बात करते हैं हम इसकी सीट के बारे में, तो जो इसकी सीट है सिंगल सीट आपको लेदरिंग के साथ कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है, जिसकी हाइट आपको 780 mm की सीट हाइट आपको मिलने वाली है, ठीक है। काफ़ी कुशनिंग सीट है, काफ़ी बढ़िया सीट है, लॉन्ग शॉर्ट राइडर आराम से इस स्कूटी को राइड कर सकता है। 500-1000 किलोमीटर अगर आपको जाना हो लॉन्ग राइड पर तो आराम से भी आप जा सकते हो। एक बार मैं की को अपना लेफ्ट साइड में स्विच कर देता हूँ तो इसकी सीट ओपन हो जाती है। साथ ही बात करते हैं इसके अंडर सीट स्पेस के बारे में बात, जो कि आपको 21 लीटर का आपको बूट स्पेस स्कूटी के अंदर अंडर सीट में आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान ही रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। हेलमेट ही आ सकता है इसके अंदर एक।
अंडर सीट ही आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपको 5.2 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जिसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो E20 की आपको नॉमिंग भी मिल जाती है इसको, और जो फ्यूल कैप है वो आपको सिल्वर कलर की कुछ इस तरीके की मिल जाती है E20 की नॉमिंग के साथ। ठीक है, अपना खोल के अपना जब फ्यूल डलवाना हो तो अपना सीट खोल के फ्यूल को डलवा सकते हो। साथ ही बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में, जो कि आपको 70 किलोमीटर पर लीटर के आपको इस स्कूटी के माइलेज आपको मिलने वाली है, क्योंकि भाई अपनी हाइब्रिड बाइक स्कूटी है ये, इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैट्रेस कुछ ब्लैकिश कलर के इस तरीके के मिलने वाले हैं, और कुछ इस तरीके का हुक आपको मिल जाता है लेग स्पेस के, यहाँ पर ताकि आप सामान वगैरह अपना लटका के जा सको। और फसिनो की बैजिंग मिल जाती है, की कुछ इस तरीके का आपको ड्यूल की मिलने वाली है, जिसके ऊपर आपको यामा की बैजिंग मिलने वाली है, और कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ कुछ इस तरीके का आपको हैंडल मिलने वाला है। ठीक है, हैंडल बार ही एक तरीके का लगा लो, काफ़ी बढ़िया। और साथ ही बात करते हैं लेफ्ट हैंडलिंग के बारे में, हेडलाइट के स्विच आपको, इंडिकेटर के स्विच, हॉर्न का स्विच ब्लैक कलर का, ग्रिप काफी बढ़िया, और जो रियर ब्रेक लीवर है वो आपको ब्लैक कलर का मेटल का मिल जाता है। स्टार्ट ऑन ऑफ का यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फीचर्स मिलने वाला स्मार्ट, और यहाँ पर आपको हेडलाइट के स्विच मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ आपको सेल्फ का स्विच ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का इस स्कूटी के अंदर दिया गया है। साथ ही जो इसका एक्सीलेटर है वो भी आपको विदाउट राइड बाय वायर स्कूटी के अंदर मिलने वाला, काफी बढ़िया। ठीक है, और सेल्फ का स्विच आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है, जो फ्रंट ब्रेक लीवर है वो भी आपको मेटल का ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का इस स्कूटी के अंदर दिया गया है। साथ ही बात करते हैं इसके मिरर्स के बारे में, जो कि आपको क्रोम एंड ब्लैक कलर के एडिशन के साथ कुछ इस तरीके के लुक के साथ आपको मिरर मिल जाते हैं ड्यूल बैक विजन के लिए। अब साथ ही बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, जो कि आपको फुली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरीके का इस स्कूटी के अंदर आपको मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको यामा की बैजिंग मिल जाती है, फजीनो की बैजिंग कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। साउंड इस स्कूटी के अंदर, और बात करें इसके लुक के बारे में, तो ऑन होने के बाद मैंने आपको लुक दिखाई दिया इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है फ्रंट से। तो साथ ही इसका जो कार्ब वेट है वो आपको 99 kg का कार्ब वेट इस स्कूटी के अंदर अब आपको मिलने वाला है। बात करें इसकी टॉप स्पीड के बारे में, जो कि आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस स्कूटी के अंदर मिलने वाली है, बाकी राइडर पर डिपेंड है वो कैसे चलाता है कैसे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अब इसके प्राइस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि आपको 92,430 रुपीज़ का आपको एक्स शोरूम इंडिया के अंदर ये स्कूटी मिलने वाली है। साथ ही बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, जो कि आपको जो है ऑन रोड दिल्ली के अंदर अब आपको मिलने वाली है 1,12,742 रुपीज़ की आपको ऑन रोड दिल्ली के अंदर ये स्कूटी अब आपको मिल जाएगी। सो गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी यामा फजीनो 125 Fi हाइब्रिड डिस्क वेरियंट के बारे में, जिसके बारे में आज आपको बताया। होप सो गाइस आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, स्कूटर, स्कूटी के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, रब राखा।